यहाँ जितने बैठे हैं जानते होंगे हमारे साजिद भाई उनाई वाले, अभी तकरीबन एक दो घंटा पहले उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। दुआ करें अल्लाह मरहूमा की मगफिरत फरमाए और साथ में पढ़े इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। दूसरी एक अफसोस की बात यह है कि हमारे इंटरनेशनल क्रिकेटर और बहुत ही अच्छे फास्ट बॉलर मुनाफ पटेल, तीन दिन से लगातार मेरी उनके साथ बात हो रही थी और हमने सारा प्रोग्राम भी बनाया था और हमारी ये बात तय हुई थी कि वो 10 बजे सुबह में हमारे जुनेद भाई बोरावाला के घर पर ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद 10:30 को यानी 10:30 बजे यहाँ पर आ जाएंगे। मगर कल रात को तकरीबन 11 बजे खबर आई कि रणजी ट्रॉफी के कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उनको आज वहाँ जाना पड़ा, जिसकी वजह से वो क्रिकेटर मुनाफ पटेल, जो मेरे बेटे की तरह है बल्कि भाई की तरह है, बहुत प्यार मोहब्बत करने वाला है, रोज़ाना बातें करने वाला है, लेकिन वो मुनाफ पटेल आज नहीं आए हैं, उसका हमें बहुत गम और अफसोस है। लेकिन हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे बेटे मुनाफ पटेल की उम्र में बरकत अता फरमाए और क्रिकेट के मैदान में वो जिस तरह रणजी ट्रॉफी में अब आगे बढ़ रहे हैं, अल्लाह और भी ज़्यादा तरक्की अता फरमाए। इस वक्त मेरे सामने बहुत सारे मेहमान जो यूके से और यूके में भी खास करके ब्लैकबर्न से तशरीफ लाए हैं और इसी तरह यहाँ सूरत के भी बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ इस वक्त हमारे सामने हैं। इसी तरीके से और भी सूरत के बाहर से जो हजरत तशरीफ लाए हैं और कितने हमारी प्यारी माएँ बहनें बेटी और हमारे भाई जो कैटरेक ऑपरेशन और डायलिसिस के वास्ते यहाँ पर आए हैं, मैं सबको मुबारकबादी देते हुए सबका इस्तकबाल करता हूँ और दुआ करता हूँ कि जैसे हर साल हमारे जैनब मेमोरियल हॉस्पिटल में ये डायलिसिस का प्रोग्राम होता है और कैटरेक ऑपरेशन का प्रोग्राम होता है और माशाल्लाह फिर स्पेक्स का यानी चश्मे का इंतज़ाम किया जाता है, सारे इंतज़ाम करने वालों को दिलो जान से मुबारकबादी देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये सारा जो प्रोग्राम होता है, मेहमानों का आना, डायलिसिस का होना और कैटरेक ऑपरेशन का होना और ये सारी कुर्सियों का लगना, ये मंडप का लगना और जैनब मेमोरियल हॉस्पिटल जो इस वक्त अब सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि यूके में भी जिसका तारा चमक रहा है, इसका सेहरा अगर हम सबसे पहले देखें तो हमारे प्यारे दोस्त हाजी जुनेद ओरावाला की वजह से होता है। ये हमारे जुनेद भाई ओरावाला, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, कहाँ पर खड़े जुनेद भाई ओरावाला, यहीं पर है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि जैनब हॉस्पिटल का मामला आ गया, कैटरेक ऑपरेशन का मामला आ गया या डायलिसिस का मामला आया, इन्होंने 24 घंटे सोशल काम के लिए अपने आप को वक्फ किया है और इतना प्यारा आदमी है, इतना प्यारा आदमी, इसने कभी मजहब का भेदभाव नहीं देखा, इसने कभी किसी मजहब वाले से ये नहीं पूछा कि तुम्हारा मजहब क्या है, इसने सिर्फ ये समझा है कि कोई बीमार आए तो उसकी इयादत करना, कोई बीमार आए तो उसका ट्रीटमेंट करना, कोई बीमार आए तो उसका खर्च उठाना और किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी भूखे को खाना खिलाना, इसने अपनी जिंदगी इसके लिए वक्फ की है। और आज जो हम यहाँ पर गुले गुलजार देखते हैं उसकी वजह भी जुनेद भाई ओरावाला है। हम सब मिलकर प्रार्थना करें, दुआ करें और अल्लाह से कहें कि अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, क्योंकि हम समझते हैं कि कई हजारों का काम ये अकेला आदमी कर रहा है हाजी जुनेद ओरावाला। तो हमको बहुत बहुत इनका आभारिया होना चाहिए, शुक्रिया मानना चाहिए कि अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनके पूरे खानदान को भी कबूल फरमाए। और इतने इतना सब काम करने के बाद भी ये हमारे जुनेद भाई ओरावाला हंसते हंसाते, क्योंकि कई मरतबा मेरा टेंपर थोड़ा हाई हो जाता है, मैं मानता हूँ कि मेरा टेंपर हाई हो जाता, कभी नाराज हो जाता हूँ, कभी गुस्से में चला जाता हूँ, लेकिन ये बिल्कुल हंसते हंसाते और इसका ये इनका जो मिजाज इतना नरम है उसका साथ भावना बहन भी देगी मेरे साथ में। भावना बहन सही है ना, इनका मिजाज बहुत नरम। ये जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं ना, इनके साथ इतना खेलना, बोलना, हंसना, बातें करना, बल्कि अभी तो ये बच्चों ने एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट रखी है, मैं सोच रहा हूँ कि रिक्वेस्ट कब पूरी होगी, क्योंकि इन बच्चों के साथ हमने क्रिकेटर यूसुफ पठान की मुलाकात की, इन बच्चों के साथ हमने इरफान पठान की मुलाकात की, आज अगर होते तो मुनाफ पटेल से भी मुलाकात हो जाती,
लेकिन वादा है कि सब बच्चों की मुलाकात मुनाफ पटेल से होगी और बहुत जल्दी होगी इंशाल्लाह। विद इन 15 डेज हम प्रोग्राम बनाएंगे, मुनाफ पटेल से मुलाकात होगी। तो ये हमारे अभी बच्चों की तो एक बहुत बड़ी दरखास्त है कि इनको इंडिया में तो जुनेद भाई ने बहुत घुमाया, अब इनको इंडिया के बाहर घूमना है। दुबई जाना है, दुबई जाना है इंशाल्लाह, दुबई जाना। और हमारा मौला शोएब भी मजबूत यहाँ बैठा है, ये सोचता होगा जुनेद दुबई ले जाएगा, मैं सबको यूके लेकर चला जाऊँगा। हमारे तो अभी जो हमारे जो चीफ गेस्ट थे, जो सबसे बड़े गेस्ट थे, जो खास डायलिसिस और ये कैटरेक ऑपरेशन देखने के वास्ते, उसका एग्जामिन करने के वास्ते, सही हो रहा नहीं हो रहा उसको पलक झपक के देखने के लिए यूके से ये सफर करते हुए मौलाना शोएब साहब आए हैं। मैं इतना बता दूं कि ये मौलाना शोएब साहब जवान माशाल्लाह और बहुत हिम्मत वाले, बहुत काम करने वाले और यूके में भी बहुत सोशल काम करने वाले। और वहाँ एक बहुत बड़ी मस्जिद है, हमारे यहाँ जो आपको बड़ी बड़ी मस्जिदें नजर आती है वैसे एक बहुत बड़ी मस्जिद है, मस्जिद अनीसुल इस्लाम ट्रॉय स्ट्रीट में है, ब्लैकबर्न में है। वहाँ के ये माशाल्लाह इमाम भी है और वहाँ ज़रूरत पड़ने पर ये बयानात और तकरीरें और जुमा और खुतबा पढ़ाते हैं और वहाँ बच्चों को हिफ्ज़ भी कराते हैं और बच्चों को नाज़रा भी पढ़ाते हैं और माशाल्लाह एक सोशल काम में लगे हुए रहते हैं। मैं इनको देखता हूँ और हमारे बड़े भाई हजरत मौलाना मोहम्मद अली मुफ्ती फलाही साहब, ये दोनों को देखता हूँ कि पूरा आखिर किस फिक्र में रहते, कहाँ पर कोई लड़की है जिसको शादी की ज़रूरत है, कहाँ खाना नहीं पहुँचाए, कहाँ पानी नहीं पहुँचाए, कहाँ किसी को आँख में तकलीफ है, कहाँ किसी को डायलिसिस की तकलीफ है, कहाँ ग्रुप वेडिंग यानी समूह लगन हमको करना है। आपको मालूम होगा अभी हम यहाँ पर है, अब यहाँ से फारिग होने के बाद हम सीधे जाएंगे अहमदाबाद, अहमदाबाद से काम करने के बाद हम मौलाना शोएब साहब को लेकर मालेगांव जाएंगे, वहाँ बहुत बड़ा ग्रुप वेडिंग होगा। तो ये सब ये काम करते हैं और ये सिर्फ अल्लाह के वास्ते करते हैं और पूरे हमारे हिंदुस्तान को अमान और सुकून पहुँचाने के लिए। हमारा कोई भी हिंदुस्तान का आदमी परेशान हो ये इन लोगों से देखा नहीं जाता, ये यूके से ब्लैकबर्न से आते हैं। तो मैं सबसे पहले अब मौलाना शोएब साहब को कहूँगा कि वो तो उनका तो इंट्रोडक्शन मैंने करवा दिया, लेकिन वो आए हैं किस मकसद के लिए आए हैं और क्या करना चाहते हैं, आगे इनके फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है, वो आपके सामने बात करेंगे। तो मैं फिर एक मरतबा मौलाना शोएब साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, इमाम मस्जिद अनीसुल इस्लाम। और जब इमाम मस्जिद अनीसुल इस्लाम हम कहते हैं तो हमको हमारे बड़े प्यारे भाई हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली फलाही भी बहुत याद आते हैं। इनका एक ऐसा प्रोग्राम रहता है, एक साल हमारे बड़े भाई आते हैं और एक साल ये मौलाना शोएब साहब आते हैं, ये साल मौलाना शोएब साहब की बारी है तो ये आए हैं। तो हम अब इनसे दरख्वास्त करते हैं कि जरूरी बातें हमारे कानों तक पहुंचाए, अल्लाह ताला इनके कहने और हमके सुनने को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिही अल्लज़ीन इस्तफा अम्मा बाद, औऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله العظيم. قابل صد احترام علماء الكرام اور خاص طور پر آج کی مجلس کے روح روا حضرت قاری احمد علی فلاحی صاحب دامت برکاتہم، اسی طرح معزز مہمان جو باہر سے آئے ہوئے ہیں اور خاص طور پر آج کی مجلس کے پرنس اور دلہے حاجی جنید بھائی اور آنے والے تمام مہمانوں کو میں سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی کہ ہمیں اور ہمارے باپ داداؤں کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی، اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ہم یاد کریں کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب ہمیں کہیں سفر کرنا ہوتا تھا تو کہیں تو گھوڑے پر، کہیں تو اونٹوں کے اوپر سفر کرتے تھے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی سفر کرنا چاہے تو گھنٹوں کا سفر وہ منٹوں کے اندر پورا کر لیتا ہے، اور کئی مہینوں کا سفر وہ کئی کچھ دنوں کے اندر پورا کر لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے یہ ساری نعمتیں عام کر دی.
लेकिन जितनी नाशुक्री आज है उससे पहले कभी भी नाशुक्री नहीं होती थी। एक फकीर एक अल्लाह वाले की खिदमत के अंदर आया और आकर सवाल किया कि मुझे कुछ दे दो। उस अल्लाह वाले ने जवाब के अंदर कहा कि आप करोड़पति हो और भीख मांग रहे हो। उस फकीर ने कहा कि भाई मेरी मजाक मत उड़ाओ, आप मेरा जेब चेक कर लो, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ मुझे दे दो। उस अल्लाह वाले ने कहा कि अच्छा आप जिस जबान से इकरार कर रहे हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, अल्लाह ने आपको दो हाथ दिए हैं, उन दो हाथ में से एक हाथ मुझे दे दो। वो कहने लगा कि कोई ऐसा कर सकता है कि अपने कोई बदन के उज़्व का कोई सौदा नहीं कर सकता। फिर उसने कहा कि अच्छा ठीक है, अल्लाह ने आपको दो पैर दिए हैं, उन दो पैरों में से एक पैर मुझे दे दो। अल्लाह ने आपको दो आंखें दी हैं, दो आंखों में से आंख मुझे दे दो। वो फकीर कहने लगा कि मैं अपने बदन के उस वक्त का मैं सौदा नहीं कर सकता। उस अल्लाह वाले ने कहा कि मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईश्वर ने आपको बहुत सारी नेमत अता फरमाई है। अल्लाह ने जो आंखें दी है, अल्लाह ने जो हाथ दिए हैं, अल्लाह ने जो हमें पैर दिए हैं, वाकई अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। और ये नेमत ऐसी है कि दुनिया के बाजारों के अंदर वो नहीं मिल सकती, ये अल्लाह तबारक व तआला ही की तरफ से है। तो हमें सबसे पहले तो जो अल्लाह ने हमें नेमतें दी है उन नेमतों की कदरदानी करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बहुत सारी नेमतें अता फरमाई है, उन नेमतों में से एक अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इंसान बनाया है। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहते तो हमें जानवर भी बना सकते थे, हमें दरिंदा भी बना सकते थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इंसान बनाया है। लेकिन आज हम इंसानियत को भूल चुके हैं। और आज मैं आपको एक बात बता दूं कि आज जो पूरी दुनिया के अंदर जो नुकसान हो रहा है और आज जो हम पीछे जा रहे हैं उसका सबसे बड़ी वजह ये है कि आज हमने इंसानियत को छोड़ दिया है। इंसानियत हमारे दिलों के अंदर से निकल चुकी है और इंसानियत को छोड़कर हम धर्म के ऊपर और मजहब के ऊपर चले गए हैं। याद रखना, पहले इंसानियत होती है, पहले इंसान होता है, फिर उसके बाद मजहब और धर्म होता है। मैं आपको छोटा सा वाक्य सुनाऊं कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बहुत बड़े सहाबी है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अहलिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब बीमार हुई तो अपने शौहर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि मुझे अनार खाने की और मुझे सेब खाने की, सफरजन खाने की ज़रूरत है, मेरे लिए बाजार से कुछ सेब खरीद कर ले आओ। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो चाहत थी उनको खरीदने के लिए यानी सेब को खरीदने के लिए बाजार तशरीफ ले गए और बाजार से सेब खरीद कर वापस आ रहे थे। रास्ते के अंदर एक शख्स को देखा कि वो बेचारा बीमार पड़ा हुआ है। उसने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरख्वास्त की कि मैं बीमार हूँ, मैं भूखा भी हूँ। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो हजरत फातिमा के लिए जो सेब खरीदे थे उसको दे दिया, उस बीमार को दे दिया। और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाली हाथ अपने घर पर वापस आए और थोड़े से शर्मिंदे भी नजर आ रहे थे। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि आप शर्मिंदा क्यों हो। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरा वाक़िया बयान किया तो हजरत फातिमा का जवाब सुनिए। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया कि जिस वक्त मैं कसम खा कर कहती हूँ कि जिस वक्त आपने उस मरीज को सेब दे दिया, खुदा की कसम मैं खा कर कहती हूँ उसी वक्त मेरा पेट भर गया था। उसके थोड़ी देर के बाद हजरत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक टोकरे के अंदर सेब लेकर आए और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने पेश किया।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اندر نکال کر گنا تو اس کے اندر 9 سیب تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ٹوکرا، یہ سیب میرے لیے نہیں ہے، اگر میرے لیے ہوتے تو اس کے پورے 10 ہوتے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور انہوں نے اپنی آستین کے اندر سے ایک اور سفرزن سیب کو نکالا اور پھر فرمایا کہ سچ کہا، آپ کے لیے 10 ہی تھے لیکن آپ کا امتحان لینے کے لیے میں نے ایک سیب کو چھپا دیا تھا، اور اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ اللہ ایک کے اوپر 10 دیتا ہے۔ تو یہ واقعہ سنانے کے مقصد یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس بیمار نے یہ درخواست کی کہ میں بھوکا ہوں، میں مریض بھی ہوں، میں بیمار بھی ہوں، مجھے کچھ دے دو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دھرم نہیں پوچھا، اس کو مذہب نہیں پوچھا کہ تیرا مذہب کیا ہے، تیرا دھرم کیا ہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انسانی ناطے ہونے، انسان ہونے کے ناطے اس کو سیب دے دیا۔ تو اس میں کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آج ہمارے دلوں کے اندر سے انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں، پہلے انسانیت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد مذہب اور دھرم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، اور انسانیت بھی یہی سکھاتی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی دوا کا انتظام کرو، اگر کسی کے پاس مکان نہیں ہے تو اس کے رہنے کا انتظام کرو، اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کے کھانے کا انتظام کرو۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کریں گے کہ میرا فلانا بندہ بھوکا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، وہ بندہ بھی عرض کرے گا کہ اے باری تعالی، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ تو بندہ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ میرا فلانا بندہ بیمار تھا، اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا تو مجھے وہاں پر پا لیتا۔ تو عزیز دوستو، انسانیت ہمیں آج ہماری دلوں کے اندر، آج ہمیں انسان بننے کی ضرورت ہے، اور انسانیت یہی ہے کہ ہم دوسروں کے کام آ جائے، جو ضرورت مند ہے ہم ان کے کام آ جائے، اور یہ بیماروں کی بیمار پرسی کرنا اور بھی انسان یہ لوگوں کی خدمت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ معمولی معمولی تکالیف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی بیمار پرسی کے لیے جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی پتا چلتا کہ فلاں صحابی بیمار ہے، اگرچہ وہ مدینہ کے باہر رہتے ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پیدل چل کر ان کی بیمار پرسی کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو آج ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور ہمیں انسانیت کا سب سے بڑا اداہرن دینا ہے، اور ہمیں ایگزامپل دینا ہے، مثال بیان کرنی ہے۔ اب میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں آخر کے اندر سب سے پہلے میں مدلس فیض سلیمانی کا بہت دل سے تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور اسی طرح زینب ہاسپٹل کا تہ دل سے میں شکر گزار ہوں۔ میں اپنی طرف سے اور مسجد انیس الاسلام تروائسلی کے تمام مصلی اور ماں و بہنوں کی طرف سے میں شکر گزار ہوں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں اور انہوں نے جو خدمت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی انہیں دنیا اور آخرت کے اندر بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور جو اللہ کام لے رہا ہے مزید اللہ ان سے خوب کام لے۔ ہم رہے یا نہ رہے، یہ زینب ہاسپٹل چلتی رہے گی، اور یہ بدلی سے فیض سلیمانی چلتی رہے گی، اور لوگوں کی مدد کرتی رہے گی، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں خوب ترقیات سے نوازے اور نظر بد سے ان کی حفاظت فرمائے۔ بس میں اسی بات کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے یو کے مہمان اور آج کے چیف مہمان مولانا شعیب پٹیل، جو لمبا سفر کر کے یہاں پر آئے ہیں۔ اب میرے پاس میں ایک بہت لمبی لسٹ ہے بڑے بڑے علماء کی، اور سورت کے بڑے بڑے رسپانسبلٹی والے ذمہ دار حضرات کی، اور بڑے بڑے پوسٹ پر بیٹھے ہوئے۔ اللہ سب کو نظر بد سے بچائے۔ تو ہم اب سب کا سنمان شروع کریں گے، اس کے بعد میں آگے پروگرام بڑھائیں گے۔ تو سب سے پہلے سنمان کیا جا رہا ہے جو
मुजीब भाई ओरावाला से मैं दरख्वास्त करूँगा कि हमारे बड़े भाई प्यारे भाई करी अहमद अली साहब का बुके देकर सम्मान करें। अभी हम अयाज भाई जो जैनब हॉस्पिटल के एक्टिव मेंबर हैं, अयाज भाई उनसे हम दरख्वास्त करेंगे कि मौलाना शोएब पटेल जो यूके से आए हैं उनका सम्मान करें, बुके देकर उनका सम्मान करें। अयाज भाई हमारे दरमियान में बहुत बड़े मेहमान हैं जो मेरे यहाँ पर राइट में बैठे हुए हैं, हमारे मिस्टर जी ए खत्री, ये जीएसटी सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स असिस्टेंट कमिश्नर है और ये बहुत ही बड़ी शख्सियत है हमारे सूरत की। हमारे खत्री साहब जो राइफल शूटिंग होती है इसमें भी ये इतने माहिर है कि इनको नेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं, तो ये इनका बहुत बड़ा एहसान है कि हमारी हकीर और छोटी सी दावत पर वो यहाँ पर आए। अब हम बाबू भाई गोडिल से दरख्वास्त करेंगे कि हमारे खत्री साहब का बूके देकर सम्मान करें और उनका इस्तकबाल करें। माशाल्लाह, अल्लाह हमारे बाबू भाई की उम्र में भी बरकत अता फरमाए और हमारे खत्री साहब जो आए हम उनका जितना शुक्रिया अदा करें कम है। ये जीएसटी सेंट्रल एक्साइज और कस्टम असिस्टेंट कमिश्नर भी है और राइफल शूटिंग में नेशनल अवार्ड भी मिला है और इनका बहुत बड़ा नाम है और बहुत खिदमतें कर रहे हैं, अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। कौन करेगा? अभी मैं हमारे बेटे इमरान भाई जो मशहूर है इमरान भाई कंप्यूटर के नाम से, उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारे आने वाले एक और यूके के मेहमान हैं और बहुत ही प्यारे मेहमान हैं, हाजी अय्यूब पटेल। हाजी अय्यूब पटेल उनका दिलो जान से सम्मान करें। आप देख सकते हो हाजी अय्यूब पटेल को बावजूद है कि इनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है लेकिन सिर्फ सेना हॉस्पिटल और कैटरेक्ट ऑपरेशन और डायलिसिस और हमारी मोहब्बत में यूके से यहाँ तक तशरीफ लाए हैं। मैं मेरे भाई मौलाना हुजैफा साहब यहाँ पर जो मेरे लेफ्ट में बैठे हुए हैं मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा, गुजारिश करूंगा कि हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे भाई जेके भाई अग्रवाल का सम्मान करें। ये जेके भाई अग्रवाल जो इस वक्त मेरे यहाँ लेफ्ट में है और ये जुनेद भाई, ये दोनों माशाल्लाह 30-35 साल के पार्टनर भी है और आप अगर गौर से देखें तो दोनों का माशाल्लाह एक धर्म है, एक मुकद्दस है। हमारे जेके भाई हिंदू मुकद्दस धर्म से, ये मुस्लिम धर्म से 35 साल से दोनों की पार्टनरशिप है। हम सबको एक बार नारे तकबीर कह के अल्लाहु अकबर कहो कि अल्लाह ये मोहब्बत बाकी रखे। अब हमारे जुनेद भाई ओरावाला, भाई जुनेद भाई ओरावाला ये सम्मान करेंगे। जुनेद भाई ओरावाला सही में एक बात है, ये अभी शोएब बोली शोएब ने आपको दुल्हा का प्रिंस का कोई टेंशन वाला मामला तो नहीं है क्योंकि आप जिस तरह एक्टिव होते जा रहे हो ऊपर नीचे हो रहे हो। चलो हमारे हाजी जुनेद ओरावाला जो इस पूरे महफिल के रूहे रवा है वो सम्मान करने जा रहे हैं हमारे बहुत बड़े शख्सियत उज़्मा का जिनका नाम है बाबू भाई गोडिल, जो बहुत ही मुतहर्रिक और एक्टिव है हर काम में, सोशल कामों में उनका सम्मान करेंगे। अब हाजी जुनेद ओरावाला फिर एक मरतबा सम्मान करेंगे हमारे भाई मौलाना हुजैफा साहब का जो तड़केश्वर से यहाँ तशरीफ लाए हैं और सिर्फ इसी प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आए हैं। मौलाना हुजैफा साहब जो मेरे छोटे भाई हैं उनका सम्मान कर रहे हाजी जुनेद ओरावाला। हाँ जरा ऐसा क्लेम तो करो बेचारे, मैं कब तक बोलता रहूँगा। भाई जहाँ कहीं हमारे यकीन भाई बैठे हो, यकीन भाई जहाँ कहीं हो, हमारी बहुत ही आजीजाना दरखास्त है कि वो स्टेज पर आ जाए।
प्रोफेशनल कुरियर वाले यकीन भाई, कौन है यकीन भाई प्रोफेशनल कुरियर वाले, आधे स्टेज पर आ गए, आ जाए स्टेज पर आ जाए, अल्लाह ताला इनकी मेहनत को कबूल फरमाए। हाफिज आसिफ साहब, जहाँ कहीं हो हाफिज आसिफ साहब, ये हमारे साथ रहते उठते बैठते हाफिज आसिफ साहब, ये यकीन भाई प्रोफेशनल कुरियर वाले का स्वागत इस्तकबाल और सम्मान कर रहे हैं। हाफिज आसिफ साहब ही को हम फिर एक मरतबा तकलीफ देंगे कि वो बुके अपने हाथ में ले और हमारे मजलिसे फैज़े सुलेमानी के एक आला ट्रस्टी मौलाना उस्मान साहब दामत बरकातुहुम का सम्मान करें। भाई मैं आपको सबको एक बहुत अच्छी बात इस वक्त बताने जा रहा हूँ, हमारे बीच में बैठे हुए हैं मेरे प्यारे बेटे रोहन चासिया। रोहन चासिया ये तकरीबन डिसेबल है, 90% डिसेबल है, लेकिन देखो अल्लाह किसी से कोई चीज लेता है तो बहुत कुछ उसे देता है। ये रोहन चासिया डिसेबल है, माजूर है, लेकिन जो स्विमिंग का काम होता है, स्विमिंग यानी तैरने का काम होता है, इसमें इनको नेशनल अवार्ड मिला है और वो भी हमारे सीएम विजय रूपानी की तरफ से 1.5 लाख रुपए का अवार्ड इनको मिला है। हम रोहन चासिया का बहुत बहुत आभारी है कि वो आए तकलीफ उठाए और ये स्विमिंग में नेशनल अवार्ड लेने वाले। अच्छा जब इनको अवार्ड मिला, 1.5 लाख रुपए का अवार्ड मिला, इन्होंने जो गरीब है जो शहीद हो गए उनके लिए 5,000 रुपए का चेक दे दिया, मतलब दिल भी अल्लाह ने दिया है और स्विमिंग के लिए बहुत महारत अल्लाह ने दी, क्योंकि डिसेबल होना, तैरना और नेशनल अवार्ड लाना ये कोई नहीं कर सकता, ये वन मैन शो ओनली रोहन चासिया। तो इनका सम्मान करने के लिए मैं भावना बहन को बुलाऊंगा, जो साथी ग्रुप की सबसे बड़ी हमारी बहन है भावना बहन, वो खुद आएगी और आकर रोहन चासिया का बहुत जोरदार इस्तकबाल करेगी। आप फिर एक मरतबा समझे ये वन मैन शो है हमारे और हमारी मजलिस के आज के सबसे खूबसूरत है रोहन चासिया। और स्विमिंग में इनको अवार्ड मिला है यानी तैरने में अवार्ड मिला। मैं भी रोहन बेटे से यही कह रहा था कि अगर मेरे बस में होता तो यहाँ पानी बहा देता और इनकी स्विमिंग एक मरतबा हम लोग देख लेते, लेकिन जरूर देखने जाएंगे हम लोग रोहन चासिया। प्रार्थना करें इनकी उम्र में बरकत होवे और आगे और भी अवार्ड ये लेते जाए और कामयाबी के कदम बढ़ते जाए। वाहिद भाई से हम अब दरखास्त करेंगे कि बुके अपने हाथ में ले और हमारे मजलिस से फैज़े सुलेमानी के जो सबसे आला ट्रस्टी है, सबसे ऊंचे ट्रस्टी है हाजी हबीब भाई लकड़ा वाला, उनका ये दिलो जान से बुके देकर सम्मान और स्वागत करेंगे। मेरे हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हाजी इम्तियाज भाई बम्बई वाले, हाजी इम्तियाज भाई बम्बई वाले जो हर वक्त हमारे साथ में रहते हैं और बहुत बहुत हमारा साथ देते हैं और तआवुन करते हैं, हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो मौलाना इकबाल साहब, मौलाना इकबाल साहब आलिम रब्बानी मौलाना इकबाल साहब का बूके देकर इस्तकबाल करें। जामिया हुसैनिया के बहुत ही माशाल्लाह बेहतरीन मुदर्रिस, उनका इस्तकबाल करें। अब मैं मेरे भाई मौलाना हुसैफा साहब को कहूंगा कि वो बुके ले
और बहुत बड़ी शख्सियत का हमें सम्मान करना है जो जैनब हॉस्पिटल के रूहे रवा है और जैनब हॉस्पिटल के मरकज है, जैनब हॉस्पिटल के मादन है, जैनब हॉस्पिटल के लिए सबसे बड़ी कड़ी है, वो है हमारे हाजी तुफेल भाई। हाजी तुफेल भाई का सम्मान करने जा रहे हैं मौलाना हुज़ैफ़ा साहब, बुके लेकर उनका सम्मान करें, इस्तकबाल करें, उनका एजाज करें और हम सब तुफेल भाई के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी उम्र में, उनके पूरे खानदान में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए।